Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परः ईश्वरः सद्योर्दि अवृदुते अत्र कृतभिः शुष्णुषुभे तक्षणात् निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखात् अमृतादवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। अभी मैं श्लोका पढ़ूंगी 1932 से। श्री भीष्म उवाच इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम् प्रकृतिम् उपयुषी यद्भव प्रवाहः। रजप्रिया आप रीड करेंगे ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट। जी थैंक यू राधा। हरे कृष्णा। तिलक रूपा की जय। अनुवाद तिलक रूपा द्वारा। तिलक रूपा की जय। भीष्मदेव ने कहा अभी तक मैं जो सोचता जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगी क्योंकि थोड़ा बड़ा है इसलिए। चूंकि भीष्मदेव एक राजनीतिक कुरुवंश के मुखिया महान सेनापति तथा क्षत्रिय अग्रणी थे अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों का अग्रणी तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान है लेकिन वे अपने भक्तों के अग्रणी नेता है। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी है। इसीलिए भीष्मदेव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता तब तक भगवान उसके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता लेकिन उन्हें शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक अभिप्राय से नहीं अपितु भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवत गीता 10.10 में भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते है न केवल उनकी उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी है। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते इसीलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं अतएव उन्हें किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण की आदि नारायण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं।
जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल उत्स है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभू या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। हरे कृष्णा, ओवर टू यू राधा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वेरी नाइस, वेरी नाइस परपोर्ट। तो यहाँ से 1932 से यहाँ से भीष्म स्तुति स्टार्ट होती है और आगे 11 श्लोक जो है वो भीष्म स्तुति, भीष्म देव भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वी शुड ऑल रीड दिस। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर्स है भीष्म देव के। तो अब जब युद्ध खत्म हो गया था तो ऐसा वातावरण था कि युधिष्ठिर महाराज बहुत रिपेंट कर रहे थे। वो कह रहे थे, बहुत शोक मना रहे थे कि मैंने युद्ध किया, मैंने इतने बच्चों को अनाथ कर दिया, मैंने इतनी माताओं को विधवा बना दिया, मैंने इतने पेरेंट्स को, उनके बच्चों का, उनके बच्चे मर गए, उनके पेरेंट्स जीवित है लेकिन उनके बच्चे मर गए, मैंने इतने पाप किए हैं, मुझे इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। तो सब लोग वहां पे जो थे, जो युधिष्ठिर के पास जो थे, जो राजपाट संभाल रहे थे, उन्होंने कहा, नहीं युधिष्ठिर महाराज, आपने अपना धर्म का पालन किया है। इवन श्री कृष्ण ने खुद स्वयं कहा कि आपने अपने धर्म का पालन किया है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तर्क वितर्क करते जा रहे थे और वो बिल्कुल भी ये समझने को तैयार नहीं थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, वैसे अगर आपको लगता है आपने इतने पाप किए हैं तो आप एक अश्वमेध यज्ञ कर दीजिए। और यूजुअली जब आप युद्ध होता है और उसके बाद शास्त्रों के अनुसार अगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ करने से अगर आपने कुछ भी पाप किया है तो वो पाप नष्ट हो जाता है। तब भी युधिष्ठिर महाराज तर्क वितर्क कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ में भी तो किसी की आहुति लगती है, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ अश्वमेध यज्ञ। तब सब सोच विचार में लग गए कि अब हम भगवान को, युधिष्ठिर महाराज को कैसे समझाए। पहले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा समझा कर थक गए भगवत गीता, अब युधिष्ठिर महाराज, तो अर्जुन का तो शोक मोह सब निकल गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अभी भी शोक में थे कि मैंने ये गलत काम किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, अगर हम भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो और उनसे पूछते हैं तो क्या तब तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। तो ये बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज एकदम खुश हो गए और उन्होंने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम सब युधिष्ठिर भीष्म महाराज के पास चलते हैं, भीष्म देव के पास चलते हैं। तो ठीक है, तो जब सबको पता चला कि अब सब लोग भीष्म देव के पास जाने वाले हैं, तो तब देयर वाज नो मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं था, कोई व्हाट्सएप, नथिंग, कोई वे नहीं था कि हम किसी से कम्युनिकेट करें। तब मन से सब लोग कम्युनिकेट करते थे, इट वॉज सो पावरफुल, है ना। तो इस तरीके से सब ऋषियों को, सब जो अच्छे सोल्स थे, उन सबको पता लगा कि देखो सब लोग अभी भीष्म देव के पास जाने वाले हैं, और जब भीष्म देव के पास जाएंगे, क्योंकि भीष्म देव तो वन ऑफ द महाजन्स हैं, है ना, तो जो वन ऑफ द महाजन्स हैं, तो जब सब जाएंगे जरूर वहां पर कुछ कथा में होगी, जरूर वहां पर कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए सब वहां भीष्म देव के पास, सब वहां पर एकत्रित हो गए। अब ये यहां से जब भीष्म देव देखते हैं कि भगवान आ गए और युधिष्ठिर उनके प्रिय पांडव आ गए, तो ये, और जब भगवान ने देखा भीष्म देव को ऐसे एरोज के बेड पे लेटे हुए हैं, पूरे खून में लथपथ हैं, और भगवान ने स्नेह भरी दृष्टि से भीष्म देव को देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, और जैसे ही भगवान ने स्नेहमय दृष्टि से भीष्म देव को देखा, तो भीष्म देव की जो भी पीड़ा थी, जो भी उनको पेन्स थे, वो सब दूर हो गए। इसी प्रकार से जब भगवान हमें देखते हैं तो हमारे भी सारी जो पीड़ा है, जो इस दुखालय में हम हैं, वो सब भी दूर हो जाता है। तो अब हम तो जैसे भीष्म देव ने देखा, तो भीष्म देव ने कहा, अब मैं स्तुति करना चाहता हूँ तुम्हारी भगवान, मैं आई वॉन्ट टू प्रे टू यू। तो इसीलिए इस श्लोक में लिखा है, भीष्म देव कहते हैं, भीष्म उवाच, मतलब भीष्म देव कहते हैं, इति मतिर उपकल्पित वितृष्णा। अब भगवान, मैं अपनी मति जो है
को मैं आपके ऊपर लगाना चाहता हूँ। सेम जो भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता में कितनी बार कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, फिर भगवान कहते हैं मई एव मन आदत स्व मही बुद्धिम निवेशया, अपनी बुद्धि मुझ में निवेश करो, निवेश करो। फिर और भी मन के ऊपर श्लोकाज है, अगर किसी को याद है तो प्लीज आप बताइए मुझे। तो इससे हम क्या समझते हैं कि क्या हम अपने मन को वश में कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर भीष्म देव कहते हैं कि अभी मैंने सारे कार्य इतने कर लिए, राजपाट को संभाल लिया, सबकी सबको देख लिया, सबको अपनी ड्यूटीज, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज संभाल ली, अब मैं अपनी मति, अपना मन भगवान आप में ही लगाना चाहता हूँ। तो ये जनरल लोगों के लिए ये सीख है कि क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा, हमारा मन इतना चंचल रहता है, कभी यहाँ अमर एक बंदर के जैसे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, फास्ट फास्ट, इतनी स्पीड से कुछ नहीं चलता जितना हमारा मन चलता है। तो इसका ये मतलब है कि मन वश में नहीं आ सकता है हमारे, कभी भी नहीं आ सकता है। अगर मन वश में आ सकता तो हम इस जीवन में जन्म, इस जगत में जन्म नहीं लेते। क्योंकि हम क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि हमारे करोड़ों 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 जन्मों की जो वासनाएं हैं, जो छाप हमारे मन पे लगी हुई है, और जो इम्प्रेशंस या संस्कार हम कहते हैं वो है, उसी के कारण ही हम जन्म लेते हैं, इस भौतिक जगत में हम जन्म लेते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम भगवद गीता का बुक की बुक, जब हम भगवद गीता देखते हैं तो उस पे जो फ्रंट पेज है उधर हम क्या देखते हैं? एनीबडी कैन टेल मी, कोई मुझे बता सकता कि फ्रंट कवर पे क्या देखते हैं हम भगवद गीता के? ब्रजप्रिया, एनीवन, किसी को बताना है कि चला रहे? हाँ जी, किसने कहा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, सत्यराज प्रभु जी। यस माता जी। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या क्या कर रहे हैं भगवान? कुछ सारथी बने हैं जो ब्रह्मांड नायक है जी। बहुत बढ़िया जी, तो भगवान वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे एक रथ है, वो चित्र में रथ है, और रथ फिर है वहाँ पे घोड़े हैं और घोड़ों की लगाम है, लगाम किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। कृष्ण सारथी बने जैसे प्रभु जी ने कहा, और कृष्ण के पास कौन बैठा है? अर्जुन बैठा है ना। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ये जो शरीर है वो रथ है ठीक, और जो हमारी इंद्रियां हैं जैसे आईज ईयर्स नोज और अन्य इंद्रियां हैं वो है जो घोड़े, और जो हमारा मन है वो है लगाम, और हमारा लगाम जो मन लगाम किसके कंट्रोल में है? भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ बैठे हैं रथ पे? उसको कहते हैं कि बुद्धि की जगह पे भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण बुद्धि की जगह पे सारथी बन के बैठे हैं तो अर्जुन तो पीछे है, और अर्जुन को कोई फिक्र ही नहीं है कि अब सारथी का क्या काम होता है। वो ऐसी दिशा में रथ लेता है ताकि जो फाइट कर रहा हो वो अच्छे से फाइट कर सके, और सारथी का ये काम होता है कि वो अपने मास्टर को, जैसे यहाँ पे अर्जुन है, उनकी रक्षा कर सके। तो भगवान ने ये कार्य भी अपने ऊपर ले लिया था सर्वेंट बनने का, क्योंकि वो अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे इसीलिए। तो इससे हम ये भी सीखते हैं, जैसे हम सबको पता है कि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, वो अपने भक्तों के पराधीन है। तो ठीक है, तो मन को बस में करना मतलब भगवान के हाथ में अपनी जो क्या कहते हैं, जो रेंस, उसको क्या कहते हैं हम, जो लगाम है वो हम भगवान के हाथ में देते हैं, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते, अगर हम बिना अपनी लगाम दिए भगवान के हाथ कुछ कर सकते तो हम कब का कर लेते, और हम इस जन्म मृत्यु से आगे बढ़ चुके होते। बट क्योंकि हम जन्मों जन्मों से
इस जीवन मृत्यु के चक्कर में हम पड़े हुए हैं और बार 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 हम जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम, हमारा जो मन है वह कहीं अटका हुआ है, ऑलवेज कहीं अटका हुआ है। इसीलिए हमें अपना मन भगवान के हाथों में हमें देना है ताकि वो पकड़े, और भगवान के दूसरे हाथ में चाबुक भी होता है ताकि वो चाबुक से कभी हमें जब भी दुख आता है, क्योंकि ये दुखालयम है, दुखालयम में दुख तो आना ही है, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलयुगा, तो दुख आना ही है, तो भगवान दुख क्यों देते हैं, ताकि हम अपना मन जो कभी इधर उधर दौड़ रहे, वापस भगवान के शरण में, भगवान के चरणों में आ जाए। ऐसे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है कि हम अपने मन को, अपने जो ये हमारा मन है उसको हम बस में कैसे कर सकते हैं। एनीवन हैज एन आंसर टू दिस, कोई बताना चाहेगा? बहुत, आप सब जानते हैं, मुझे पता है आप सब जानते हैं, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि हम अपने मन को बस में कैसे कर सकते हैं। भगवान की सेवा करके माताजी। हरे कृष्णा। हाँ जी, वेरी नाइस आंसर। आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया, आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपरली हियर। उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी। हाँ जी, उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ माता जी, जो कहते हैं कि अभ्यास है ना, तो कौन से है ओनली विथ योर एंडीवर एंड विथ योर यू नो ट्राइंग टू डू समथिंग, आप खाली अभ्यास करना चाहिए तभी आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो वे। तो अगर भक्ति भी करनी है तो उसके लिए भी अभ्यास करना है। हाँ जी, अभ्यास ही करना है, क्योंकि हम एक शॉट में नहीं कर सकते, वी हैव टू रिपीट 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 कर कर करके हमें भक्ति करनी है, तब जाके कहीं पर कोने पर कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वी आर प्रायण अल्पायुष्यः सभ्य मंद सुमंद मतयो, है ना, हमारी मंद बुद्धि है, वी आर शॉर्ट लिव्ड, वी आर क्वारलसम, इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं। वेरी नाइस पॉइंट प्रभु जी, वेरी नाइस। सो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको मन बस में करना है, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, बट ओनली वन वे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना। तो मतलब भगवान कह रहे हैं कि यही एक तरीका है कि हम अपने मन को कैसे भगवान की शरण में लगा सके, उनके शरणागत कैसे हो सके। जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम नौदा भक्ति करते हैं, उसमें जब हम मंदिर जाते हैं, एंड व्हेन वी यूटिलाइज आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सवाई मन कृष्ण पदार विंदयो, दिस इज ऑल भक्ति, दिस इज ऑल शरणागति कैसे करते हैं हम, ये सब पॉइंट्स हैं उसके। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो वी आर ऑलवेज सेइंग भगवान हमें ये चाहिए, आज हमें ये प्रॉब्लम हो गई, प्लीज आप ये सॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज भागवत में लिखा है अकाम सर्व कामोवा, चाहे हमारा मटेरियल डिजायर हो चाहे स्पिरिचुअल, भगवान आप ही हमारे को हेल्प कर सकते हैं। वेरी राइट, वेरी ट्रू, भगवान की शरण में जाके हम मांग सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर हम भगवान के मंदिर में जाए और भगवान से कहे कि हे कृष्णा कि प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए। हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान श्रीला प्रभुपाद ने इतने सारे टेम्पल्स का निर्माण क्यों किया? हम अपने घर में भी भक्ति कर सकते थे, वो एक छोटा सा सेंटर बना के वहां पर सबको बुला सकते थे और कीर्तन कर सकते थे, he had been so successful, but why he made temples so that हम मंदिर में जाए और भगवान भी हमें देखे। और जब भगवान की स्नेह भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो जैसे भीष्म देव के सारे सारे पेन्स जो थे वो सब शांत हो गए, इसी प्रकार भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने से हमारे भी पेन्स भगवान हर लेते हैं, हरी हर लेते हैं, इसका ये मीनिंग है। सो आई वॉज टेलिंग यू कि हम भक्ति अपने मन को बस में कैसे कर सकते हैं, हरी नाम जप सिमरन करके, करेक्ट। और शिला प्रपाद ही सेज दिस मॉर्निंग ओनली आई हर्ड वन लेक्चर कि जैसे एक पोस्टमैन होता है वो एक लेटर डिलीवर करता है, जब वो लेटर डिलीवर करता है तो उसका काम है लेटर डिलीवर करना,
वो लेटर के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, जिस क्या है उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। तो शिला प्रभुपाद सेड कि इसी तरह से मैं भी वैसे ही हूँ कि जो हमारे जो श्री कृष्ण ने बोला ज्ञान दिया है, जो अर्जुन ने ज्ञान दिया है, जो हमारे आचार्यों ने ज्ञान दिया है, जो उनके गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ज्ञान दिया है, वो सब शिला प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं। ही सेइंग प्रभुपाद जी इतने प्योरली कह रहे हैं, I am not bluffing, I am not cheating. He doesn't have to say this to us, है ना? Why should he say? एक तो वो कुछ हमें दे रहे हैं, ऊपर से explanation भी दे रहे हैं हमें. We are, मतलब हम लोग इतने, you know, we have to just इतनी श्रद्धा develop करनी है कि भाई आप जो बोलो हमें वो ही करना है. ये न के ना, without right, left, we have to just like horse होता है ना, ऐसे ही straight देखता है. इसे ही हमें श्रद्धा से हमें देखना है जो शिला प्रभुपाद ने कहा है. तो शिला प्रभुपाद कहते हैं विदाउट ब्लफिंग, विदाउट चीटिंग, जस्ट एक्सेप्ट दैट लेटर दैट व्हाट आई एम गिविंग यू एंड देन गो ऑन दैट फुटपाथ ऑन दोज फुटस्टेप्स एंड देन योर लाइफ विल बी वेरी वेरी ग्लोरियस. योर लाइफ विल बी ग्लोरियस मतलब यू विल नॉट कम बैक टू दिस मटीरियल वर्ल्ड अगेन, यू विल बी विद द लॉर्ड. सो वी नाउ इनफ, हमें और एकदम सीरियसली इस बात को लेना है कि वी हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, चैंट आर राउंड सीरियसली एंड डू आर ड्यूटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टेक केयर ऑफ आर फैमिली, टेक केयर ऑफ आर चिल्ड्रेन, क्योंकि हम अपने बच्चों का रोल मॉडल हैं. चिल्ड्रेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आर चिल्ड्रेन, बी अ रोल मॉडल सो दैट दे कैन forward this bhakti ka path to others and do it themselves also. Very important. Very, very important. Theek hai. Ab, abhi hum bhakti to kar rahe hain, theek hai? Sab bhakti kar rahe hain, apni mala karte hain, bhagavatam padhte hain, ye katha roz sunte hain, ya hafte mein do baar sunte hain, jaise bhi hai. तो सब कर रहे हैं, तो सब सोचेंगे ठीक है हम तो भक्ति कर रहे हैं, अब हमारा मन तो बस में है. लेकिन अगर हम 10, 20, 15, 25 साल से भी भक्ति कर रहे हैं ना, तभी भी हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान प्लीज मुझे मेरा मन को हमेशा आपके चरणों में ही रखना. क्योंकि ये मन, जैसे मैंने शुरू में कहा, चंचलम ही मन कृष्ण, ये एक मिनट नहीं लगेगा कि कहीं पर भी स्लिप हो सकता है एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट थिंक कि अच्छा अब मैं पक्व हो गया हूँ. नो, पक्व हो गया हूँ ओके, लेकिन कोई भी स्टेज पे हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए. वी हैव टू ऑलवेज बी डाउन हम्बल एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, थिंकिंग दासानुदास दासानुदास, एंड ऑलवेज रिमेन इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. एंड अगर हमें कभी भी ऐसा भी हो सकता है हमारी लाइफ में कि हमें थोड़ा घमंड हो जाए, देन कृष्णा इज रेडी देयर टू बीट अस अप. नो, जैसे हम बोलते हैं कि सुबह उठो तो वी हैव टू बीट आवर माइंड, एंड सोने के टाइम आल्सो वी हैव टू बीट आवर माइंड कि भाई भगवान प्लीज कीप मी इन द राइट ट्रैक कि मैं या नहीं जाऊं. तो ऐसे ही ये सब स्तुतियां भीष्म देव कर रहे हैं कि हे भगवान आप ही विभु हो. विभु मतलब क्या? जो वैभवशाली होता है. फ्रॉम द वर्ड वैभवशाली कम्स विभु. विभु मीन्स ऑल माइटी, ग्रेट. तो इसलिए कहा गया इस तात्पर्य में कि भगवान विभु हैं. और भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत दिव्य है. जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति नैति मामेति सो अर्जुना. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माय जन्म एंड माय अपीयरेंस एंड माय एक्टिविटीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल. So we have to, so यहाँ पे भीष्मदेव ऐसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, he is glorifying the Lord. ईश्वर, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परम कृष्ण. तो ये सब बातें जब भीष्मदेव कह रहे हैं तो सब लोग भी सुन रहे हैं. तो इस ऐसे ही हमें अपना जीवन ऐसे गुजारना है कि एंड मोमेंट में भी हम what is that श्लोका फ्रॉम भागवतम, स्मरण अंत काले च मामेव, कि जब अंत काल हो तो हमें भगवान का ही स्मरण हो. क्यों अंतकाल में? अगर आपने सारी जिंदगी भगवान की भक्ति या भगवान का स्मरण नहीं किया है
तो आप अंतकाल में भी नहीं कर सकते. इट इज देयर, इट इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट डू इट. सो देयरफॉर देयरफॉर हाउ वी से इन श्रीमद् भागवतम इन इन ध्रुव या सॉरी इन प्रहलाद इट इज देयर नो कौमारम. What is that shloka? Please, if anyone can tell me. Kaumaram yovanam jara. No. मतलब हमें बचपन से ही भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए. Before the child is conceived. What is the shloka? I forgot. It's so. हम लोग कितना use करते हैं वो shloka. हरे कृष्ण माता जी. कौमारम आचरित प्राज्ञो. हाँ. मतलब कौमारम आचरित प्राज्ञो. हाँ जी. जी जी. Correct. Correct. तो हमें तब से ही भक्ति करनी है ना. सो यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश. जैसे शिला प्रभुपाद जी ने हर एक को उपदेश देकर भगवान की के बारे में समझाया, भगवान के बारे में ज्ञान दिया. नहीं तो हमें तो पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था. तो हम जिस जिस से जुड़ते हैं उन्हें ये हमें संदेश देना ही है, किसी ना किसी तरह से. नॉट बाय फोर्स बट इन अ एमिकेबल वे. भगवद गीता टीचेस अस कैसे हमें लीडरशिप क्वालिटीज रखनी है, कैसे हमें किसी से बात करना है ताकि वो कन्विंस हो जाए. दैट इज द वे वी हैव टू प्रीच टू द पीपल अराउंड अस. अब आई जस्ट एंड दिस विद अ स्मॉल स्टोरी जो महाभारत में आती है कि भीष्म देव थे. आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टोरी आल्सो. तो भीष्म देव थे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन को सब बहुत प्रेज कर रहे हैं कि अर्जुन आप तो इतने अच्छे धनुर्धारी हैं, आप तो जब ब्रिन्हला के रूप में गए थे तब आपने मृदंगा भी कितना अच्छा बजाया था, तो आपने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं. यू आर सो 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 यू नो यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, यू हैव सो मेनी गुड behaviors and everything is so good about you. आप इतने अच्छे हैं, आपके पास बहुत सारी गुण है. तो जब किसी को प्रेज करते हैं तो भीष्म भाई थे तो भीष्म सॉरी भीमसेन भाई थे तो भीमसेन को लगा कि मुझे भी कुछ यू नो मुझे भी ऐसी क्वालिटीज चाहिए कि मुझे भी ऐसी क्वालिटीज चाहिए ताकि मैं उन क्वालिटीज को ही मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं. ऐसे उनका मन था. तो लोग कहते थे कि हाँ इन्हें भी ऐसी क्वालिटीज चाहिए तो इनको भी अर्जुन जैसा नाम चाहिए. तो क्या किया उन्होंने, उनकी एक इच्छा हुई. जैसे हमारे को भी कभी कभी इच्छा होती है कि वो कितना अच्छा करतल बजाते हैं, वो इतना अच्छे मृदंगा बजाते हैं, वो इतने अच्छे से गाते हैं, हमें भी सीखना चाहिए. तो कभी कभी हम अकेले में ट्राई करते हैं कि ऐसे गाए, ऐसे बोले, तो यू नो वी फील ताकि हम थोड़ा सा अच्छा कर सके अपनी भक्ति में और भगवान को खुश कर सके. आई होप वी डू दिस विद दैट इंटेंशन. आई जस्ट होप वी डू दिस विद दैट इंटेंशन. तो ऐसे ही भीमसेन ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि मैं संगीत सीखूं. ठीक है, तो संगीत सीखने में के लिए उन्होंने अपना राजपाट थोड़ा टाइम युधिष्ठिर को कहा कि हे भ्राता हे भाई मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम मैं ये करूँ. तो थोड़ा टाइम मैं आई विल टेक सबैटिकल फॉर सम टाइम फ्रॉम माय वर्क एंड आई विल डू ऑल दिस संगीत सीखना. तो सब आ गए संगीतकार सिखाने के लिए. तो सारे स्टार्ट हो गया भीमसेन का गाना सा रे इतनी जोर जोर, क्योंकि भीमसेन वाज अ स्ट्रॉन्ग मैन. तो किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को देखते हैं तो लगता है उनकी आवाज भी एकदम स्ट्रॉन्ग होगी ऐसे. तो इतनी मोटी आवाज में वो गाने लग गए. तो जब सबने सुना तो युधिष्ठिर महाराज के पास सब कंप्लेन करने गए कि प्लीज ये हमारे कान में ना बहुत जोर जोर से आवाज आती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा. आप क्यों नहीं कहते भीमसेन को कि ये सब बंद करे. तो युधिष्ठिर क्योंकि बड़े भाई थे और बड़े भाई हमेशा बहुत स्नेह वाले होते हैं, तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं मैं तो नहीं कह सकता भीमसेन को. तो अर्जुन के पास गए लोग. अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मैं तो कह ही नहीं सकता, मुझे देख के ही इनकी इच्छा जागृत हुई है तो मैं तो बोल ही नहीं सकता कि आप मत कीजिए ये सब काम. तो सोचने लगे सब लोग अभी हम क्या करें, किसके पास जाए. तो वो गए द्रौपदी के पास कि भाई किसी के पास कोई चीज का विकल्प नहीं है तो वाइफ के पास तो जरूर होगा ऐसे. तो वाइफ के पास गए द्रौपदी के पास और द्रौपदी से कहा प्लीज क्या आप समझा सकते हैं अपने पति देव को कि थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा चुप हो जाए.
तो द्रौपदी बोलती है ठीक है, तो वो जाती है भीमसेन के पास और बहुत प्यार से कहती है कि हे भीमसेन, जो भी वर्ड स्वामी जो भी बोलते हैं, वो गए और कहा कि क्या आप इतना अच्छा जो सीख रहे हैं, क्या आप अरावली के माउंटेन्स में जाके वहां जाके क्यों नहीं सब सीख लेते हैं, वहां पर इतना अच्छा वातावरण है, आपकी संगीत और भी एनहेंस हो जाएगी वहां जाकर। इस तरह से जाके द्रौपदी ने भीमसेन से कहा। तो भीमसेन ने कहा अरे हाँ वेरी गुड आइडिया, तो मैं जरूर जाता हूँ और खुले आसमान के नीचे अरावली के माउंटेन्स में जाके मैं वहां पर सब माउंटेन्स के बीच में जाके गाऊंगा और अपना संगीत सीखूंगा। तो वो चले गए वहां पर अपना सब लेके, तो वो वहां पर भी गा रहे थे जोर जोर से, सब सिखा रहे जोर जोर से गा रहे थे। तब वहां पर थोड़े दिनों बाद एक धोबी आया जो उनकी राज्य में रहता था। तो धोबी आया ढूंढता ढूंढता, उसने देखा कि अरे यहाँ तो भीमसेन बैठे हैं, और भीमसेन ने देखा कि ये तो धोबी आया है मेरे राज्य से। तो कहा अरे धोबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो माउंटेन्स के बीच में? तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं कर रहा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप नाराज हो जाओगे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ वापस। तो भीमसेन ने कहा नहीं बताओ मुझे तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो धोबी ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ कि मैं एक्चुअली मेरा गधा है ना वो गुम हो गया था, तो ये जो आप गा रहे थे वो आवाज सुन 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 के मैं इस जगह पे आ गया। तो इसी तरह से तब भीमसेन को लगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं गा नहीं सकता हूँ, तब वो उनका जो आत्मविश्वास है थोड़ा नीचे डाउन हो गया और उन्होंने सोचा एक्चुअली तो मैं नहीं गा पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं ठीक से कर सकते तो हमारे हृदय में समझ आ जाता है बाबा कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो इसीलिए भीमसेन ने कहा ठीक है मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और सोचता हूँ कि मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर हे मेरे भ्राता, क्या आप मुझे कुछ और सेवा दे सकते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ एक सेवा है, खाली आपको द्वारका जाना है और द्वारका से भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर लाना है, ये तो बड़ी सरल सेवा आप कर सकते हो। तो फिर भीमसेन ने कहा हाँ हाँ ये तो मैं जरूर कर सकता हूँ, अभी तो खाने का टाइम हो गया, मैं पहले अपना प्रसाद खा लेता हूँ फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो प्रसाद खाया भीमसेन ने, फिर प्रसाद खाने के बाद तो नींद आती है इतना पेट भर के अगर खाएंगे तो, वो सो गए। जब वो सो गए तो शाम हो गई, फिर रात हो गई, तो अरे अब मैं कैसे जाऊंगा फ्रॉम इंद्रप्रस्थ टू द्वारका गुजरात, हाउ आई विल गो सो फार। तो युधिष्ठिर ने देखा कि ये अभी तक यहीं है, तो युधिष्ठिर को अब गुस्सा आ गया कि, और युधिष्ठिर ने कहा कि तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुमको एक काम दिया था वो भी तुम नहीं कर पाए, और थोड़े से इंसल्टिंग वर्ड्स यूज कर दिए भीमसेन के लिए। तो अब भीमसेन को बहुत बुरा लगा, वो अपने रूम में गए, दरवाजा बंद किया और जोर जोर से रोने लगे कि भगवान मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और मैं अभी मैं क्या करूं भगवान, क्या आप नहीं आ सकते हो? ऐसे बहुत ज्यादा जोर जोर से इंटेंसली रोने लग गए। और फिर थोड़ी देर बाद उनके हृदय में एक बात आई कि भगवान क्या आप तभी आओगे जब द्रौपदी तुम्हें बुलाएगी, मैं बुलाता हूं तो क्या तुम नहीं आ सकते? ऐसे बहुत इंटेंसली उन्होंने ऐसे कहा। फिर जब वो ऐसे सोच रहे थे तब उनके दरवाजे पे ठक ठक हुई, और जब ठक ठक हुई उन्होंने कहा अब क्या हुआ, फिर से मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं जाके खोलता हूँ शायद कुछ और बोलेंगे अब मुझे। तो जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके पास वो जो सोल्जर था वो आया और उसने कहा कि आपको युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया है। तो डरते डरते भीमसेन युधिष्ठिर महाराज के पास गए, और जब गए तो उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज के पास भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हुए थे, खुद वहां बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीमसेन तुमने मुझे बताया ही नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बातें कह दी, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम गए द्वारका और भगवान श्री कृष्ण को लेके आए। तो भीमसेन ने कहा नहीं मैं तो नहीं गया द्वारका, क्यों कृष्णा मैं तो नहीं, मैंने तो नहीं तुम्हें बुलाया। तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीमसेन क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं था, सोचो तुमने मुझे बुलाया था। तब वो सोचते हैं कि हाँ मैंने तो रो रो के आपसे कहा था कि आप द्रौपदी के आने से ही आ सकते हो, क्या मैं जब बुलाता हूँ तब नहीं आ सकते आप? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीमसेन मुझे किसी का संगीत इतना प्रिय नहीं है ना मुझे किसी की सेवा इतनी प्रिय है,
लेकिन जब कोई मुझे बुलाता है एकदम इंटेंसिटी से, जब रोता है मेरे लिए, मैं आ जाता हूँ, एक क्षण भी नहीं लगाता और मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैं भावग्रही हूँ। कृष्ण इज भावग्रही, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद सेज दैट जस्ट क्राई फॉर कृष्णा, जस्ट क्राई फॉर कृष्णा एंड यू विल गेट कृष्णा। ऐसे जैसे कैसे रोना है, जैसे जैसे एक बच्चा रोता है। अब बच्चा रो रहा है किस लिए, कि माँ उसे गोदी में ले ले। बट वही बच्चा अगर कोई और लेडी बैठी हो, बहुत सुंदर साड़ी में बैठी हो और एकदम टिप टॉप बैठी हो और उसकी गोदी में डाल दो, क्या वो बच्चा रोना छोड़ देगा? नहीं। लेकिन अपनी माँ की गोदी में, जो इतना काम करके घर का पसीने में लथपथ हो या मैले कपड़ों में हो, अगर माँ उसको ले ले अपने हाथ में, तब बच्चा इमिजिएटली रोना छोड़ देगा। इसी तरीके से, क्योंकि जीवेरा स्वरूप हो नित्यर कृष्णदास, ऐसे ही हम हैं। हमें सोचना है कि भगवान हमें आपकी ही शरण में आना है। दिस वॉज द रीजन वाई आई सेड द स्टोरी दैट वी हैव टू कम टू योर शरण। और जैसे बच्चा रोता है वैसे ही हमें रोना है। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न दिस, कि भगवान कि मुझे भी ऐसे ही सिखाइए कि मुझे आपके लिए इतना आसक्त, आपके प्रति आसक्त होना है कि भगवान आपके ही शरणों में हमें ऑलवेज रहना है, आपके ही चरणों में ऑलवेज रहना है, आपका ही गुणगान करना है, आपके ही प्रति हमें अपनी भक्ति इन स्मॉल पैकेज जैसे होता है, भक्ति हमें करनी है। ठीक। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। डिड आई गो ओवर टाइम? नो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता। फर्स्ट ऑफ ऑल या माता जी, इट वाज अ वेरी नाइस क्लास, सो वी ऑल एंजॉयड एंड इट वाज रियली वंडरफुल, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड देयर आर लॉट ऑफ नाइस पॉइंट्स माता, सो इट वाज रियली वंडरफुल। जैसे इतना सारा स्टोरीज आपने जैम पैक करके हम लोगों को सुनाया माता जी, परफेक्ट। मैंने बता दिया, पता था बहुत फास्ट में। नहीं माता जी, बट रियली इट वाज रियली वंडरफुल। एंड आपने जो पॉइंट्स रखे कथा के द्वारा कि क्या कैसे सेवा हमको करनी चाहिए, जो आपने बताया कि सेवा का मूड क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मेनी ऑफ अस डू सेवा बट दैट इज फॉर देयर ओन एप्रिसिएशन, कि मैं कीर्तन करूं तो लोग मेरा वाह वाह करें, मैं अच्छा प्रसादम बनाऊं तो लोग मेरा वाह वाह करें, या कोई भी सेवा होता है तो मेरी वाह वाह होनी चाहिए, लेकिन वहां पे फिर भगवान खुश नहीं होते। लेकिन जब इट इज ओनली फॉर द लॉर्ड, चाहे फिर वो छोटी भी सेवा हो, अपने स्क्विरल की तरह रामायण में, वो फिर भले एक छोटा सा पेबल उठा के रखे, लॉर्ड इज वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो दैट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग पॉइंट माता। और एक जो बोला कि भावग्राही जनार्दन है, और वो जो भीम का स्टोरी सुना है, इट वाज रियली 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 वंडरफुल कि कैसे मतलब भगवान को प्रे करके रोता है कि क्या सिर्फ द्रौपदी के बुलाने से आओगे, मेरे बुलाने से नहीं आओगे। रियली इट वाज वेरी टचिंग। थैंक यू माता, आई लव्ड इट। एंड ये आपका क्लास, आज का क्लास सुन के लगता है माता जी आप कम से कम हफ्ते में एक बार आया करो। हरे कृष्णा। प्लीज प्रभु, आई वुड वांट टू गिव, बिकॉज नहीं तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू रीड। मैं ये भीष्म स्तुति पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल ओ कृष्णा यू थिंक अबाउट मी ऑल्सो, दैट मेरे को मन था तो आपने मुझे डाल दिया इस सिचुएशन में कि मैं पढूं, क्योंकि मैं सोच रही थी भीष्म स्तुति कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से एंड होती है, मैं ये एक्चुअली सोच रही थी, मुझे नहीं पता था। बहुत अच्छा, मेरे को ये बात अच्छी लगी। थैंक यू सो मच प्रभु, एंड थैंक यू व्रज प्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू माता। जस्ट क्विकली, आपके पास टाइम है माता जी? आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, कपल ऑफ क्वेश्चंस। हां जी। या हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हाथ उठाइए, या यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग वन बाय वन। व्रज प्रिया माता जी एंड सत्यराज प्रभु, या फर्स्ट व्रज प्रिया माता जी। हरे कृष्णा राधा, थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे से सिखाया, और
माता जी है ना स्टूडेंट और प्रिंसिपल और सब रह चुकी है, तो माता जी का जो जो वे था फ्लो था वो इतना अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि वो टीचर है, हम स्टूडेंट है, हम उनकी सब बातें सुन रहे हैं। एंड मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मैं नेक्स्ट डेट कौन सी रखूं राधा तुम्हारे क्लास मेरा ये क्वेश्चन है। जब आप बोलोगे ठीक है तो फिर मैं बताऊंगी अभी, बट थैंक यू वेरी मच राधा, सच में बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे से समझाया और वाकई में तुमने जैसे बोला ना कि इसी बहाने तुम्हारा पढ़ने का और सुनने का, तो हमें भी ऐसा लगता है कि इसी बहाने सुनने का और पढ़ने का होता है। और तुम्हारा क्लास सुन के तो वैसे भी मैं वो फिदा हो गई थी जो भगवद गीता का क्लास दिया था सालू माता जी के क्लास में, और आज भी बहुत जबरदस्त क्लास था। थैंक यू वेरी मच माता जी एंड हरे कृष्णा। हरे प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। थैंक यू व्रज प्रिया माता जी। सत्यराज प्रभु कैन यू पुट ऑन द कैमरा आल्सो सो माता जी कैन सी यू। वेरी वेल सत्यराज। हां हरे कृष्णा। या ओके हरे कृष्णा माता जी, आई एम ऑडिबल। जी जी प्रभु। यस यस सत्यराज। हरे कृष्णा। यस माता जी थैंक यू फॉर वंडरफुल 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 क्लास। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे गोपी मोहन प्रभु जी ने किया कि यू शुड बी देयर फॉर एवरी वीक एंड लाइक माता जी अब जो भी एग्जांपल दे रहे थे दैट एग्जांपल्स आर अमेजिंग ट्रूली अमेजिंग। और आपने जैसे बताया कि व्हाट इज आवर भाव, आवर दासानुदास भाव, और सबसे टचिंग पॉइंट है था वो माता जी की शिला प्रभुपाद दैट प्रभुपाद नेवर चीट अस, दैट पॉइंट लाइक मुझे बहुत टच किया माता जी। एंड लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि शिला प्रभुपाद अगर अभी आज आप बोल रहे थे ना कि आपका डिजायर था पढ़ने के लिए भीष्म स्तुति एंड देन प्रभुपाद ने आपको, प्रभुपाद है गुरु महाराज है शिला प्रभुपाद की कृपा से आपको मिल भी गया। सो आई मीन रियली वी शुड थैंकफुल टू शिला प्रभुपाद कि उनकी वजह से आज हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं भीष्म स्तुति। सो थैंक यू वंस अगेन माता जी, वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू उद्धव प्रश्न प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था। द स्टोरी ऑफ द भीमसेन वाज रियली वेरी गुड एंड प्रभु जी हरे कृष्णा टू यू। वी हैव नॉट मेट फ्रॉम सो मच टाइम। आप हम लोग कितना कुछ भी बोलते थे आप उसको एकदम इजीली ले लेते थे, जो भी हम आपके ब्रज प्रिया भी आपको हम लोग मस्ती जब करते थे आई रिमेम्बर दैट एंड यूज्ड टू टेक इट सो लाइटली। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर क्लास था। आई वाज जस्ट सेइंग दैट परपट के अंदर एक पॉइंट आती है जिसके अंदर बोलते हैं थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। हां जी। इसके ऊपर जो इट इज सो नाइसली एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ द लेक्चर्स दैट जो थिंकिंग एंड फीलिंग है ये हमारे ये मन ये मतलब स्वाभाविक है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। थिंकिंग एंड फीलिंग वी कैन नॉट कंट्रोल। किसी ने आपको बुरा बोल दिया तो आपको फील होता है और आप इसके बारे में बाद में सोचते रहते हो। तो थिंकिंग एंड फीलिंग इज नॉट अंडर योर कंट्रोल बट विलिंग इज अंडर योर कंट्रोल। उसके बाद में आपका रिएक्शन क्या होगा वो आपके कंट्रोल में है। तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसका रिएक्शन आपको नहीं करना। तो विलिंग इज अंडर योर कंट्रोल, थिंकिंग एंड फीलिंग यू कैन नॉट, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो आपके कर्म के हिसाब से आएगा या तो आपके जो एक्शंस होंगे आसपास के अंदर जो माहौल होगा उसके हिसाब से होगा, मगर विलिंग इज अंडर कंट्रोल। सो व्हेनेवर देयर इज अ सो मन को अगर कंट्रोल करना है तो थिंकिंग एंड फीलिंग लेट इट हैपन, बट विलिंग उसका रिएक्शन आपको नहीं करना है। वो खाली एक पॉइंट इसमें ऐड करनी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। यस सर्वदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास माता जी। माता जी आई मतलब मेरा एक ही क्वेश्चन था माता जी कि व्हेन यू स्टार्टेड दिस क्लास, जैसे कि इस आज के जो श्लोक में बताया गया कि भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि अभी अभी मतलब अभी एट द एंड मतलब मुझे सब आई वांट टू सब कुछ छोड़ के मुझे भगवान के इसमें अपने मन को लगाना है। तो माता जी हाउ वी अंडरस्टैंड इन फॉर अस कि मतलब एट द एंड अभी जैसे कि भीष्म पितामह जी कह रहे हैं तो हमारे लिए वो किस तरह हमको ये करना है कि हम तो एट द एंड भगवान को तो मन में रखना
इट्स नॉट पॉसिबल ऑन दैट टाइम. तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इसको हम किस तरह लें माता जी, कि एट द एंड अभी बोल रहे बीच में पितामह जी फॉर अस टू लर्न, कि हाउ हम इसको देखें माता जी. गोपी मनोहर प्रभु, यू वुड यू वांट टू आंसर, यू वुड नो बेटर देन मी. या आई विल ट्राई माता जी. सरोदय प्रभु, कैन यू रिपीट वंस अगेन? या प्रभु, हरे कृष्णा. प्रभु जी, मैं मतलब आज का जो श्लोक शुरू हुआ उसमें पितामह जी वही कह रहे हैं कि अभी बस हो गया है सब कुछ, मैं सब कुछ अभी भुला के अभी मतलब अभी आखिरी समय है, मैं अभी अपना मन को भगवान के इसमें लगाना चाहूंगा. तो हमारे लिए प्रभु इट्स नॉट पॉसिबल कि एट द एंड ये करे कि भगवान को भगवान के मन में अभी रखे एट द एंड. तो हम इसको किस तरह ले प्रभु इस पॉइंट को प्रभु? या वेरी नाइस. इसको हम लोग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से देखते हैं. एक तो इसी जैसे पितामह भीष्म इज वन ऑफ द 12 महाजनास, तो इज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड. तो भगवान उनके लिए, उनका इच्छा था कि मैं भगवान के सामने अपना देह छोड़ूं, तो भगवान वहां पे उपस्थित हो गए युधिष्ठिर महाराज के बहाने से. तो देट वॉज समथिंग. लेकिन वी आर नॉट दैट, हमें उतने उच्च स्तर के भक्त नहीं है. हम लोग भक्ति में प्रयास कर रहे हैं बढ़ने का आगे, बट स्टिल भगवान जो है वो जैसे है ना, जैसे इवन स्कुरल का जो एक जो अटेम्प्ट है वो भी स्वीकार करते हैं, वैसे हम लोग भी अगर सिंसियरली अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो श्योर है वो हमारे सामने तो नहीं आएंगे, बट इन अवर माइंड ही विल बी प्रेजेंट. जैसे यहाँ पे पितामह भीष्म बोलते हैं कि आप मेरे मन में उपस्थित रहें. और हम लोग देखते हैं कई ग्रेट डिवोटीज जो वृंदावन में बॉडी छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए कितना सारा अरेंजमेंट होता है एंड दे आर ऑल ब्लिसफुल. महेंद्र प्रभु को देख ले, उनके साथ कोई नहीं था, एंड इनफैक्ट ही वॉज इन द मोस्ट मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देखे तो उनको लगेगा कि इट वॉज वेरी बैड. लेकिन कहते हैं कि जब महेंद्र प्रभु का जी का फेस देखा था तो ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज इन ब्लिस. जस्ट इमेजिन किसी को एक सुई चुभा दे या एक हल्का सा एक माचिस का तीली कहीं किसी को लगा दे तो कितना पेन में होगा, एंड हिज होल हाउस वाज ऑन फायर, बट ही वाज इन ब्लिस. तो दिस इज ऑल लॉर्ड्स अरेंजमेंट. वो अलग अलग लीला करते हैं ऐसा, बट ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज सिंसियर डिवोटीज. तो अपना हम लोग को एक ही चीज है कि मुझे सिंसियर रहना है, मैं अपने भक्ति में मेरा जो प्रयास है वो सिंसियर रहे मेरा, एंड जो भी कर रहा हूँ मैं, चैंटिंग कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, प्रसादम बना रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वी शुड बी वेरी वेरी सिंसियर. दैट्स व्हाट आई थिंक. हरे कृष्णा. सर्वोदय प्रभु. या प्रभु, यस माता जी, यस माता जी, माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? आई जस्ट हर्ड वन दैट भगवान कैसे कहते हैं कि अपना कार्य करो, फल की इच्छा मत रखो, है ना, ऐसे कहते हैं. तो चाहे हम एंड मोमेंट में, चाहे हम कौन सी भी स्थिति में हो, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी इन आवर लाइफ, इवन नेक्स्ट वन मिनट वी डोंट नो, करेक्ट. व्हाट वी हैव टू डू इज कंटिन्यू डूइंग व्हाट कृष्णा हैज सेड, सर्व धर्मान परित्यज, कंटिन्यू डूइंग दैट सिंसियरली. इफ वी कंटिन्यू डूइंग दैट, देन क्यों भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे एंड मोमेंट में? वो ही खुद आएंगे हमें देखने के लिए, हमें नहीं देख. जैसे यहाँ पर भीष्म देव के लिए भगवान आए हैं उनको देखने, है ना, भगवान ही आ गए उनके सामने, क्योंकि भीष्म देव इज अ डिवोटी, इज अ भागवता. सो दैट इज व्हाई आई फील कि हम अपना कार्य करें सिंसियरली, हम अपना कार्य करें एंड कृष्णा विल कैरी अस. देयर इज अ स्टोरी ना विच सेज के पहले तो किसी को प्रॉब्लम थी, तो वो चार चार पैर दिखते हैं, दो डिवोटी के और दो भगवान के. फिर उसको कुछ तकलीफ आ गई, फिर खाली दो पैर दिखे, तो उसने कहा अच्छा अभी वो उसने भक्त ने कहा आपने मुझे छोड़ दिया, जब मुझे तकलीफ आई आपने छोड़ दिया, देखो मैं ही अकेले चल रहा हूँ. तब भगवान ने कहा वो दो पैर मेरे थे और मैंने ही तुम्हें अपनी गोदी में उठाया हुआ था, ऐसे. तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान विल टेक केयर ऑफ एवरीवन, ही विल टेक. हरे कृष्ण. Thank you, Mata, for this wonderful point. Hare Krishna. Yeah, Udhav Prashav. Yeah, I just was, जो माता जी ने बताया उसी पॉइंट को, जो आपने पॉइंट बताया उसी को जो है एलेबोरेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि
प्रभु का जो प्रश्न था, प्रभु क्या पूछ रहे हैं कि भाई मतलब हम लोग इसके जो ये संदर्भ के अंदर हम लोग क्या टेक अवे है फॉर अस, तो सिंस भीष्म पितामह हैड द चॉइस ऑफ डाइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, वी डू नॉट हैव द चॉइस ऑफ डाइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो इसके लिए हमको क्या कर रहे हैं, हमको सतत कंटिन्यूअसली वी हैव टू यू नो थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, इसको ध्यान में रखना है और हमको उस हिसाब से कार्य करना है. तो थिंकिंग ऑलवेज अबाउट कृष्णा, फीलिंग ऑलवेज फॉर कृष्णा एंड विलिंग, जो भी हमारी विल है इट इज लॉर्ड्स विल. ये तीन चीजें हमको कंटिन्यूअसली करनी है, बिकॉज हमको ये पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, तो हमको वो सतत करना है कंटिन्यूअस. चाहे वो अभ्यास है ना, तो कौनते वाला है, तो हमको कंटिन्यूअस ही अभ्यास करना है. ऐसा नहीं आज करना है दो दिन के बाद छोड़ दो, ऐसा नहीं. वी हैव टू कीप इट कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी वाई, बिकॉज देर इज नो सर्टनटी. तो ये जो है टेक अवे अपने साथ में, कि इस जो मतलब ये पूरा जो आज का जो श्लोक था उसके साथ ये कंटिन्यूटी है कि हमको टेक अवे ये है कि हमको कंटिन्यूअस करना है. वी डोंट हैव टू ब्रेक इन बिटवीन और वी डोंट हैव टू लीव इन बिटवीन, एंड दैट हैज टू बी सतत सतत कीर्तन करना है, सतत भगवान को याद रखना है. दिस इज द टेक अवे विच आई वॉन्टेड टू शेयर. हरे कृष्णा. या थैंक यू वेरी मच उद्धव प्रभु जी. और किसी ने हाथ उठाया है? आई डोंट थिंक सो. और किसी का कोई प्रश्न है तो क्विकली, हम लोग के पास ऑलरेडी वी आर लेट. माता जी मस्ट ऑल्सो हैव सम सेवा. तो बट थैंक यू राधा, एंड फिर से मैं तुझे अगले क्लास का डेट भेजूंगी. थैंक यू. हरे कृष्णा. Take care. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you. Mata Dandat Pranams. Hare Krishna.